सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे NIVS DLED के फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट था वो आ चुका है और लगभग आधे से ज़्यादा लोगों ने, या कहें कि पूरे लोगों ने अपने रिजल्ट को देख लिया है। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट देखने के बाद पता चल रहा है कि उनके रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम है। जैसा कि किसी के रिजल्ट में AB दिखाई दे रहा है, किसी में SYC, किसी में SYCT और इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम है। इन सारे प्रॉब्लम्स के क्या कारण है और इसका निवारण क्या है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो बिना देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि रिजल्ट में जो गड़बड़ियाँ होती हैं वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भी होते हैं और कुछ जो है वो जेन्युइन प्रॉब्लम है जो आप लोगों को मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम रिजल्ट देखें तो मैं दिखाता हूँ आपके स्क्रीन पे एक रिजल्ट है। ये देखिए दोस्तों, हमारे जो रिजल्ट आए हैं वो इस तरह का है। इसमें मैंने एनरोलमेंट नंबर, रेफरेंस नंबर, ये सब कुछ हटा दिया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कुछ कारण है यहाँ पर, इनका शॉर्ट नेम बताया गया। P है पास के लिए, SYC है सब्जेक्ट ईयर टू क्लियर के लिए, SYCI है, SYCT है, SYCP है, RW है और RL है। मैं आप सभी को इनके सभी के बारे में बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले जो तो P लिखा हुआ है, P का मतलब है पास। जिनका यहाँ पे पास लिखा आया है उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है, वो बिल्कुल पास है, उनका रिजल्ट क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, दूसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है SYC, इसका मतलब है सब्जेक्ट ईयर टू क्लियर, यानी कि अभी आपको जो है वो सब्जेक्ट क्लियर करना है। या तो आपका थ्योरी में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर असाइनमेंट में, जिसके वजह से आपका SYC लगा है। SYC लगने के कारण यही है दोस्तों कि आपका जो 70 नंबर का थ्योरी है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल यानी कि असाइनमेंट है, इस 70 नंबर के थ्योरी में और 30 नंबर के असाइनमेंट में कोई एक भी अगर आपका डिस्टर्ब है तो उसमें आपको AB दिखाई देगा, या फिर मार्क्स कम दिखाई देगा, या फिर आपको वहाँ पे पूरा का पूरा नील दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आपके थ्योरी में 70% मार्क थे, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हम लोगों ने परीक्षा दी है 501 से लेकर के 510 कोड तक के, उसमें थ्योरी थे कम से कम 70 नंबर का जो है वो आपका थ्योरी था और 30 नंबर का असाइनमेंट था, दोनों मिला करके 100 नंबर थे और दोनों में हम लोगों को पास होना ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि थ्योरी में यहाँ पे 29 नंबर दिया गया है और असाइनमेंट में 24 नंबर दिया गया है। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर थ्योरी में आपका 28 नंबर से कम है, मिनिमम आपको यहाँ पे 40% लाना था, 70 नंबर का था उसमें 40% आपको लाना था, यानी कि 28 नंबर। अगर 28 नंबर से आपका कम है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोबारा से, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में अगर कम है 28 से, तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। उसी तरीके से अगर असाइनमेंट में 12 नंबर से कम है, 30 नंबर का था इसमें ये 40% लाने थे, अगर इसमें 12 नंबर से कम है तो आपको फिर से असाइनमेंट बना करके देना है या स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर के थ्रू उसमें मार्क्स अपडेट करवाने हैं। यह दो चीज़ क्लियर हो गई है, थ्योरी और TMA। 70 में कम से कम 28 लाना है और TMA कम से कम 12 नंबर से ऊपर लाना है या 12 नंबर लाना है, इससे कम रहेंगे तो आपका SYCY लिखा रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं SYCI, इसका मतलब है सब्जेक्ट ये टू क्लियर इन इंटरनल TMA। अब यहाँ पे दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपका जो थ्योरी पेपर था 70 नंबर का उसमें आपका ठीक ठाक है, लेकिन आपने जो असाइनमेंट जमा किया है उसमें आपको या तो 12 नंबर से कम मार्क्स मिले हैं या फिर आपने जमा ही नहीं किया है, और अगर आपने जमा किया है तो स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर के द्वारा उस मार्क्स को NIVS की पोर्टल पे अपडेट नहीं किया गया है। और कभी कभी पोर्टल पे अपडेट करने के बावजूद भी NIVS में कुछ गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है, तो आपको करना क्या है, देखिए जिनका सब्जेक्ट क्लियर नहीं है उनको तो सबसे पहले अगर मार्क्स कम है, 28 नंबर से कम आया, तो उनको तो एग्ज़ाम देना ही देना है, कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आपका TMA यानी असाइनमेंट में 12 नंबर से कम आया है या फिर एबसेंट आया है, तो आपको दोबारा से असाइनमेंट जमा करनी है उस पेपर की जिसमें आपका 12 से कम आया है या फिर उसमें एब्सेंट दिखा रहा है, तो आपको असाइनमेंट जमा करना है या फिर कोऑर्डिनेटर से बात करके उसका मार्क्स अपडेट करना है। दूसरी बात कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमने एग्ज़ाम भी दिया है और उसके बावजूद भी हमारा एब्सेंट है, तो आपको वहाँ पर लिखा रहेगा
SYCT या SYC, इसका मतलब ये होगा कि सब्जेक्ट यू टू क्लियर इन थ्योरी। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आप उसमें एब्सेंट आपको दिखाया जा रहा है, तो आपको ये करना है कि आपने जहाँ जिस एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे आपको जाना है, और जिस सब्जेक्ट में आपने अटेंडेंस बनाया होगा उसकी अटेंडेंस शीट की एक कॉपी लगानी है, और आपको दोस्तों एक ईमेल आईडी पे भेज देना है कि मैंने इतने तारीख को इस पेपर में एग्ज़ाम दिया है, ये इसका मैं प्रूफ लगा करके सेंड कर रहा हूँ, और मेरे रिजल्ट को अपडेट किया जाए इस तरीके से। अभी मैं आपको इसका ईमेल आईडी भी बताऊँगा कि आपको किस ईमेल आईडी पे भेजना है। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। TMA थ्योरी हो गया, और प्रैक्टिकल SYCP जिनका लिखा रहेगा दोस्तों, SYCP यानी सब्जेक्ट यट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे हुए थे, इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट यट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल जिनका SYCP लिखा हुआ है, उनको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में या तो एब्सेंट दिखाया गया है या फिर उनके मार्क्स कम आए हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हम लोग के जो थे वो है 511, 512, यानी कि फर्स्ट ईयर में स्कूल बेस्ड एक्टिविटी थी 100 नंबर के, और वर्कशॉप बेस्ड जिसको हम लोग WBA कहते थे वो था 100 नंबर का। तो इन दोनों में आपको 100 में से कम 50% यानी कि 100 में 50 नंबर लाना था। अगर इससे कम आपका आया है तो आपका वही SYCP लिखा हुआ आएगा, और यदि इसमें आपको एब्सेंट भी दिखाया गया है तो भी आपको SYCP दिखाई देगा। तो इससे इसके लिए आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाना होगा, वहाँ स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर से बात करनी है और इस मार्क्स को अपडेट करवाना है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है जो 511, 512 और दूसरे साल में 513, 514, ये चार सब्जेक्ट जो है हम लोगों के प्रैक्टिकल हैं। बहुत सारे स्टडी सेंटर पे कोऑर्डिनेटर ने गलती ये की है कि जो हमारे प्रैक्टिस टीचिंग थे यानी 514, वो पूरा 200 मार्क्स का था, और कहीं कहीं जगह पर उन लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ये 200 मार्क्स का है, और उन लोगों ने इसे 100 मार्क्स समझ करके ही उसमें मार्क्स दिए हैं, जबकि ये 200 का था और इसमें 50% यानी कम से कम पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए था। और स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर ने क्या किया है कि उनको पता ही नहीं था कि ये 200 नंबर का, वो 100 नंबर समझ करके किसी का 80, 82, 85 इस तरीके से नंबर दे दिया गया है, और वो लोग इसमें फेल कर गए हैं। तो उन लोगों को ये नंबर फिर से अपडेट करना होगा, और ये स्टडी सेंटर के थ्रू किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है RW, रिजल्ट इज विथ हेल्ड। रिजल्ट इज विथ हेल्ड का मतलब है कि दोस्तों आपका रिजल्ट जो है वो होल्ड पर रख लिया गया है किसी कारण की वजह से, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, या फिर एग्ज़ाम में नकल करते हुए आप पकड़े गए थे, या आपके बारे में लिखित शिकायत आपकी चली गई है, इसकी वजह से रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया और आपको होल्ड पर रखा गया है। उसके बाद एक है RL, जो रिजल्ट विल बी डिक्लेयर लेटर, आपका जो रिजल्ट है वो बाद में डिक्लेयर किया जाएगा, पेंडिंग है, काम हो रहा है, उस पर आपको कुछ दिन वेट करना होगा। इन सब के अलावा एक और जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है NC का प्रॉब्लम दोस्तों। NC सिर्फ उन लोगों के लिए आया है जिनका इंटर में मार्क्स 50% से कम था। वैसे शिक्षक जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और उनका इंटरमीडिएट में 50% से मार्क्स कम आया है, उनका रिजल्ट में NC लिख करके आ रहा है, और यहाँ पर क्रॉस क्रॉस जो पास लिखा हुआ है यहाँ पर क्रॉस क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आपको करना ये है कि आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम NIOS के थ्रू देना ही देना है। उसकी लिंक ओपन हो अभी है, और आपको फिर से उसका फॉर्म भरना होगा और उसका एग्ज़ाम देना होगा। बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम जो लोग थे वो अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं इम्प्रूवमेंट का, उनके बहुत बार बताया गया था, बहुत बार लिंक भी आई थी और उसका एग्ज़ाम दे दिया गया है। लेकिन कुछ लोग जो छूट गए थे, जिनको पता ही नहीं था कि इंटर में 50% मार्क्स रखना है, तो उनके लिए इंटर का इम्प्रूवमेंट फॉर्म जो है वो भर करके एग्ज़ाम देना है। लेकिन ये सिर्फ जनरल कास्ट वालों के लिए है। जो कैंडिडेट SC ST OBC यानी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, उनको इंटर में कम से कम 45% मार्क्स चाहिए। अगर 45% मार्क्स से कम है तो आपके रिजल्ट में NC आएगा। कुछ लोग का ये कहना है कि हमारे 50% मार्क्स हैं फिर भी जो है हमारा NC लिख करके आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि आपके 50% मार्क्स तो हैं लेकिन आपने उससे अपडेट नहीं किया है। जिस कॉलम में आपको बताना था उस कॉलम में आपने भरा नहीं है, उसको अपडेट नहीं किया है, उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे प्रॉब्लम और सोल्यूशन मैं आप लोग को समझा पाया हूँ। इसके अलावा भी आपको किसी और चीज़ की कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को आपके स्क्रीन पर एक ईमेल बता रहा हूँ कि रिजल्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी गड़बड़ी है, तो आप इस ईमेल आईडी पर
मेल कर सकते हैं। यह सिर्फ रिजल्ट के लिए स्पेशल दिया गया है। तो दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, अगर आपको रिजल्ट से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो या रिजल्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हो, खास करके एब्सेंट वाले मामले में, आप लोगों को बता दूं कि अपने अटेंडेंस शीट की कॉपी निकाल करके आपको एग्ज़ाम सेंटर से वो कॉपी निकाल लेनी है और अटैच करके आपको इस ईमेल आईडी पे भेज देना है। यहाँ पे देख सकते हैं DLEDRES@nivs.ac.in, ये स्पेशल रिजल्ट के लिए है। जो भी क्वेरी करनी है या जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो भी आपके रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है वो आपको इस ईमेल आईडी पे भेज देनी है। इसके अलावा दोस्तों उम्मीद है कि आपके प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सकते हैं मेरे ख्याल से, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिना झिझक सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और आपके सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।